हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होस्ट इन दोस किचन। आज मैं शेयर कर रही हूँ अपनी सुपर इजी मालपुआ रेसिपी। चलिए इनके इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 1/4 कप चावल का आटा, भिगोए हुए किशमिश, घी, सौंफ का पाउडर, इलायची पाउडर, 1 केला, थोड़े काजू बादाम और दूध ज़रूरत के अनुसार। केले का हमें बस 1 इंच टुकड़ा लेना है, साथ में भिगोए हुए किशमिश और दूध के साथ मिलाकर हमें इसे मिक्सर में ब्लेंड करके एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार करना है। साथ में काजू बादाम को भी ग्राइंड करके पाउडर बना लें। आइए अब इसका घोल तैयार करते हैं। स्ट्रेनर की मदद से बोल में डालें मैदा, चावल का आटा, 2.5 चम्मच सौंफ का पाउडर, 1 चम्मच इलायची पाउडर और इसे अच्छे से छान लें। अब डालें इसमें 2-3 चम्मच काजू बादाम का पाउडर और इसे भी अच्छे से छान लें। अब डालें इसमें 2 चम्मच देसी घी और अच्छे से मिक्स कर लें। अब फिर से स्ट्रेनर की सहायता से दूध और केले का मिश्रण इसमें डालें और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर घोल तैयार कर लें। तैयार घोल कुछ इस तरह का होना चाहिए। अब इसे आधे घंटे के लिए आप रेस्ट करने दें। आइए अब चाशनी तैयार करते हैं। एक बोल में ले 1 कप चीनी और 1/2 कप पानी और इसे चीनी घुलने तक गर्म करें। अब इसमें 2 छोटी इलायची और केसर डालें और चाशनी गाढ़ी होने तक इसे पकने दें। अब हमारा घोल तैयार है। पैन में घी गर्म करेंगे और मालपुए तलना शुरू करेंगे। अब मालपुए को दोनों ही तरफ गहरा सुनहरा होने तक तल लें। पैन से निकाल के मालपुओं को चाशनी में डालें। ध्यान रखें चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए, ठंडी नहीं। अब गर्म गर्म मालपुओं पर ठंडी ठंडी रबड़ी डालकर सर्व करें और मजे लें। आपको रेसिपी अच्छी लगी तो इसे ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।